अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी आप किस तरह हैंड नाइट क्रीम बना सकते हैं। तो हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है हम उसके बारे में बात करेंगे। हमें सबसे पहले चाहिए होगी फेयर एंड लवली। फेयर एंड लवली से हमारी एडवांस मल्टी विटामिन हाई डेफिनेशन ग्लो फेयर एंड लवली की ज़रूरत होगी। इससे हमारी स्किन फेयर होगी। और दूसरी चीज़, हमें यहाँ पर फेस फ्रेश की ज़रूरत होगी, जिससे हमारी जो स्किन है फेस फ्रेश, इससे 5 दिन में निखार आ जाता है। तो हम इसको नाइट क्रीम बनाने में यूज़ करेंगे, ठीक है। हमें 1 अदद वाइटिंग कैप्सूल की ज़रूरत होगी और 1 कैप्सूल विटामिन ई की ज़रूरत। अपनी क्रीम बनाना स्टार्ट करते हैं। हम क्रीम को ज़्यादा मकदार में नहीं बनाएंगे, थोड़ी मकदार में बनाएंगे, इसलिए क्योंकि पहले हम सही से ट्राई करेंगे। अगर आपको ये इफ़ेक्टिव लगे तो आप ज़्यादा मकदार में भी बना सकती हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले फेयर एंड लवली को ले लिया है, फेयर एंड लवली ब्यूटी वाइटिंग मल्टी विटामिन ले लिया, और हम इसका 1/2 टीस्पून लेंगे। इसमें से हम 1/2 टीस्पून लेंगे। ठीक है, ये हमने 1/2 टीस्पून ले ली है मल्टी विटामिन वाइटिंग क्रीम, और हम इसे रख देंगे। अब हम नेक्स्ट लेंगे फेस फ्रेश। फेस फ्रेश जो होती है हमारी स्किन को ग्लो देती है। इससे ये लिखा हुआ है इसमें 5 दिन में इसमें असर पैदा हो जाएगा। तो हम इसको हैंड क्रीम के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपके पास फेस फ्रेश नहीं है तो आप कोई सी भी क्रीम ले सकते हैं, गोल्डन पर ले सकते हैं, या तो कोई सी भी गौरे होने की क्रीम ले सकते हैं। तो हमें यहाँ पर 1/2 टीस्पून हम फेस फ्रेश का भी ले लेंगे, ठीक है नाज़रीन। फ्रेश हमने यहाँ पर ये ले ली, ठीक है। अब हम इसको अच्छे तरह से मिक्स करेंगे, इसको एक जान कर लेंगे ताकि इसका जो एक दूसरे के साथ टेक्सचर बन जाए, ठीक है। यूँ अच्छी तरह से इसको देखें, ये इस फॉर्म में आ जाए कि थोड़ी सी ये फ्लफी टाइप की हो जाए और अच्छी हो जाए, इसके रेजे एक दूसरे के साथ मिल जाए। देखें कितनी अच्छी ये क्रीम बन चुकी है। इसको हम थोड़ी मकदार में बना रहे हैं, अगर आप चाहें तो ज़्यादा मकदार में भी बना सकते हैं। ये बहुत अच्छी आपकी हैंड क्रीम बनके तैयार होगी। अब हम इसके अंदर 1 कैप्सूल वाइटिंग के बनाएंगे, मिलाएंगे, ठीक है। ये देखें हमारी अच्छी सी क्रीम बन चुकी है। अब हम इसके अंदर विटामिन ई कैप्सूल मिक्स करेंगे, वाइटिंग कैप्सूल मिक्स करेंगे। इससे हमारी स्किन जो होती है फेयर होगी और हमारे जो डार्क स्पॉट्स है ख़त्म होंगे सब कुछ। तो हम इस वजह से उसको यहाँ पर ऐसे कोई पिन बिन ले लें, उससे आप सुराख कर लीजिएगा। इस तरह से हम इसको पिन करेंगे, या तो आप कैंची की मदद से भी इसको तोड़ सकते हैं। इस तरह से हमने बहुत सारे सुराख कर लिए। इसमें हम 1 वाइटिंग कैप्सूल ऐड ज़्यादा असर होगा, ठीक है। तो ये देखें कितना वाइटिंग है, ये दूध जैसा इसका टेक्सचर है। इससे हमारी स्किन जो होगी बहुत ही स्किन क्लियर होगी, ठीक है। तो ये हमने मिक्स करा और इसको भी हम अच्छी तरह क्रीम के साथ मिक्स करेंगे, ठीक है। अब हम 1 कैप्सूल विटामिन ई का लेंगे। विटामिन ई कैप्सूल से हमारी स्किन प्योर होती है। इसको इस तरह से ये ऑयल टाइप का होता है, इससे आपकी स्किन ग्लो आएगा, नेचुरली ग्लो आएगा। इससे इस तरह से आप डाल दें और अपनी चीज़ों को, हमारी जो क्रीम है थोड़ी सी थिक हो चुकी है। अब हम इनको थोड़ा सा पेस्ट बनाने के लिए हम हैंड पे यूज़ करेंगे, तो हम ग्लिसरीन यूज़ करेंगे, ठीक है। ग्लिसरीन यूज़ करेंगे हम 1 टेबल स्पून 1 कैप हम ग्लिसरीन का लेंगे, ठीक है। ज़्यादा मकदार में नहीं लीजिएगा, वरना आपका और जिसकी स्किन खुश्क है वो भी ग्लिसरीन को यूज़ कर सकते हैं। तो हमने 1 टेबल स्पून ग्लिसरीन का ले लिया, देखें, और इसमें शामिल कर देंगे। इससे जो हमारी जो क्रीम होगी थिक हो रही है, वो थोड़ी सी फ्लैफी सी हो जाएगी और सही रहेगी। देखें थोड़ा सा क्रीमी टाइप टेक्सचर आ गया, ठीक है। इसको
अच्छी तरह मिक्स करेंगे और एक जान कर लेंगे। इससे हमारे जो हैंड में नाज़रीन देखें, हमने ये ऑयल भी लिया है, ये हमने 1 टेबलस्पून ऑयल भी इसके अंदर डाल दिया है। और हमने जो क्रीम का पेस्ट है, आपको किसी भी कंटेनर वगैरह में आप रख सकते हैं, तो मैंने ये सहा का कंटेनर लिया है। इसमें मैंने गोल्डन पर क्रीम यूज़ करी थी, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और आप इसको, इस क्रीम के पेस्ट को आप इसमें रख सकते हैं। ये देखिए इस तरह ये रख सकते हैं। ये हमारी क्रीम तैयार हो चुकी है। आप इसको थोड़ी सी मिकदार में, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी मिकदार में यूँ करके यूँ मलेंगे तो आपकी स्किन देखिए कितनी शाइनी हो जाएगी और कितनी सॉफ्ट हो जाएगी। इससे आपकी स्किन जो है खुश्क है वो है सब ख़त्म हो जाएगा और आपकी हाथ जो होंगे वो बहुत खूबसूरत होने लगेंगे। एक ही हफ्ते में रिजल्ट आएगा। आप इसको ज़रूर बनाइएगा। और अगर आपको मेरी क्रीम की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू सो much for subscribe me and like me and watching me. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। टेक केयर।